एक लड़का अपनी बड़ी सी कार लेकर, अच्छे खासे उसने कपड़े पहन रखे थे, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक टूटे फूटे घर के सामने पहुंचता है। वहां पर जाने के बाद वह लड़का अपनी कार से उतरता है और उतरने के बाद उस घर के अंदर जाने लगता है। उस घर के आंगन में एक बुजुर्ग व्यक्ति खाट के ऊपर बैठा हुआ था और देखने से प्रतीत हो रहा था कि यह बुजुर्ग व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा बीमार है। अब इसके बाद वह बुजुर्ग व्यक्ति उस लड़के को पहचानने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं पहचान पाता है। इधर वह लड़का जैसे बुजुर्ग व्यक्ति की इस हालत को देखता है, उसके घर की हालत को देखता है, तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वह जाकर बुजुर्ग व्यक्ति को याद दिलाता है कि वह उसे अच्छी तरह से जानता है। उसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति भी उसे पहचान लेता है और बुजुर्ग व्यक्ति की भी आंखें नम हो जाती हैं। इतनी ही देर में उस घर के अंदर से चार महिलाएं निकलती हैं, जिनमें से एक तो उस बुजुर्ग व्यक्ति की पत्नी थी, एक उसके बेटे की विधवा पत्नी थी और उसकी दो जवान बेटियां थी। वो सभी उन दोनों को रोता हुआ देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं और सोच विचार करने लगते हैं कि आखिर यह व्यक्ति कौन है जो इतने अच्छे कपड़ों में इतनी बड़ी कार लेकर हमारे घर पर आया है। कौन था वह लड़का जो उस घर पर पहुंचा था और उस बुजुर्ग व्यक्ति से उसका क्या लेना देना था? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गुजरात के एक गांव में एक परिवार रहा करता है, जिस परिवार के अंदर तीन बच्चे हैं, एक माता पिता हैं। जो उनका पिता है वो मजदूरी किया करता और मजदूरी करने के बाद अपने घर का भरण पोषण कर रहा था। वो लोग आर्थिक स्थिति से काफी ज्यादा कमजोर थे और इसी वजह से जो परिवार का मुखिया था वो कभी कभी बिना वजह ही अपने परिवार पर डांट फटकार लगा दिया करता था और कई बार तो वो अपनी पत्नी पर पिटाई भी लगा दिया करता था। उसी परिवार के अंदर जो सबसे बड़ा लड़का था उसका नाम था मनोज। मनोज की उम्र अभी 14 साल ही है और वो जैसे ही इन सभी चीजों को देखता है तो उसे अपने घर की हालियत के बारे में पता चल जाता है कि उसके घर की हालियत काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि जो उनका घर था वो भी टूटी फूटी कंडीशन में था। अक्सर जब बारिश आया करती तो छत टपकने लगा करती थी। इन सभी चीजों से परेशान होकर एक दिन मनोज अपने घर से बिना किसी को बताए निकल जाता है और भटकते भटकते सपनों की दुनिया मुंबई में पहुंच जाता है। मुंबई पहुंचने के बाद जो 14 साल का लड़का था मनोज, वो भीड़ को देखकर काफी ज्यादा आश्चर्य में है और बहुत ही ज्यादा परेशान है। यहां पर उसके कुछ भी समझ में नहीं आता है क्योंकि मनोज के जीवन में ये उसके लिए सब कुछ नया था। उसने अभी तक इतने सारे लोग एक साथ नहीं देखे थे, लेकिन उसके बाद भी वो धीरे धीरे इधर उधर घूमने लगता है और कई लोगों से काम के लिए पूछने लगता है, लेकिन 14 साल के बच्चे को भला कौन ही काम देगा। और इसी वजह से मनोज उदास होकर एक पार्क में पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद देखता है कि उसकी उम्र के कुछ बच्चे वहां पर क्रिकेट खेल रहे हैं और तभी वह लड़का जाकर उनके साथ क्रिकेट खेलने लगता है। अब बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और खेलते खेलते धीरे धीरे शाम हो जाती है। अब उसको भूख भी लगी हुई थी और उसको प्यास भी लगी हुई थी, लेकिन तभी वह देखता है कि वहीं पर पार्क में सिंचाई के लिए एक पाइप लगा रखा है जिससे लगातार पानी निकल रहा है। तो उस पाइप से वो पानी पीता है और पानी पीने के बाद दोबारा से बच्चों के साथ खेलने लगता है। धीरे धीरे रात हो गई थी और रात के समय उस पार्क में कोई भी नहीं रहता है, सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि जो बच्चे उसके साथ खेल रहे थे उन सभी का कोई ठिकाना था, उन सभी के घर थे, तो वो लोग अपने घर चले गए थे और जो लोग पार्क में अपना समय व्यतीत करने के लिए आए थे वो भी अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में पार्क पूरी तरह से खाली हो जाता है और चौकीदार पार्क को चेक करने लगता है। चौकीदार उस पार्क से सभी को बाहर निकालकर उसका ताला लगा दिया करता था। तो इस चीज को जैसे ही मनोज देखता है तो वह एक झाड़ी के बगल में छुप जाता है। उसके बाद चौकीदार सभी को देखता और देखने के बाद उसे लगता है कि पार्क के अंदर कोई भी नहीं है, तो वह पार्क का ताला लगाकर वहां से सोने के लिए चला जाता है। अब मनोज पूरे के पूरे पार्क में अकेला रहता है और उसको बहुत जोर से भूख भी लगी थी। अब ज्यादा ही जब उसको भूख लगती है तो वह पार्क की दीवार को फांगता है और फांगने के बाद दूसरी तरफ जाकर वहां पर एक अंडों की रेहड़ी लगी हुई थी, वहां पर जाकर अंडे खाते हुए व्यक्तियों को देखने लगता है। तभी उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है जो अंडे के बीच वाले भाग को निकाल कर फेंक रहा था और ऊपर वाले सफेद को खा रहा था। अब मनोज बिल्कुल उसके साइड में जाकर खड़ा हो जाता है और उसकी तरफ बुरी तरह से देखने लगता है। अब वह व्यक्ति भी उसकी तरफ निगाह करता है और कहता है कि तुझे ये खाना है? तो मनोज हां में सर हिलाता है। तो उसके बाद वह व्यक्ति 7-8 अंडे खाता है और उनके अंदर का पीला वाला भाग निकालकर उस लड़के को दे देता है। अब मनोज ने उस पीले वाले भाग को खाकर अपनी भूख तो मिटा ली थी, लेकिन फिलहाल वो फिर से एक बार अकेला हो जाता है क्योंकि समय काफी ज्यादा हो गया था। तो जो वहां पर व्यक्ति अंडा बेच रहा था वह भी अपनी रेडी को लेकर वहां से चला गया था और मनोज सुनसान गलियों में अकेला खड़ा रह गया था। उसे बहुत जोर से डर लगता है और दोबारा से वो एक बार फिर से पार्क की दीवार फांगता है और पार्क के अंदर बनी हुई बेंचों पर सोने की कोशिश करता है। नींद तो उसे आ रही थी लेकिन यहाँ पर मच्छर बहुत ज्यादा थे और मच्छरों की वजह से वो अच्छी तरह से नहीं सो पाता है। और इसी बीच उसे घर की बहुत ज्यादा याद आने लगती है और वह फूट फूट कर वहीं पर अकेला रोने लगता है। लेकिन यहाँ पर ना तो कोई ऐसा था जो उसके रोने को सुन सके और ना ही कोई ऐसा था जो मनोज की परिस्थिति को समझकर उसको सहारा दे सके। धीरे धीरे
सुबह हो जाती है और सुबह सुबह उठकर मनोज इधर उधर दोबारा से काम की तलाश में घूमने लगता है, क्योंकि अपने घर से वो इसी इरादे से आया था कि वो दूर जाकर कहीं कोई अच्छा सा काम करेगा और अच्छा सा काम करने के बाद अपने परिवार के पास पैसे लेकर वापस लौटेगा। लेकिन दोस्तों 14 साल के लड़के को कोई भी अपने पास काम पर रखने के लिए तैयार नहीं होता है और पूरा दिन भर उसका ऐसे ही निकल जाता है। तभी उसे पता चलता है कि जहां पर वो फिलहाल है उससे थोड़ी ही आगे एक भंडारा हो रहा है और उस भंडारे में पेट भर को खाना मिल जाएगा। उसके बाद मनोज पूछते पूछते भंडारे तक पहुंच जाता है और वहां जाकर पेट भर खाना खाता है। पेट भर खाना खाने के बाद वह अपने साथ कुछ खाना भी ले आया था और उसे लाकर वापस से उस पार्क के किसी पेड़ में छुपा देता है। छुपाने के बाद वो बच्चे आज भी वहां पर क्रिकेट खेल रहे थे तो मनोज उनके साथ फिर से क्रिकेट खेलने लगता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम के समय पार्क को बंद करने का टाइम आ गया था। अब इसके बाद जो पार्क का केयर टेकर था वह सभी लोगों को पार्क से बाहर भेज रहा था, लेकिन दोस्तों आज मनोज की किस्मत मनोज का साथ नहीं देती है। वह छुपने की कोशिश तो करता है लेकिन जो पार्क का चौकीदार होता है वह उसको वहां पर देख लेता है और देखने के बाद उसे पार्क से बाहर भेज देता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही रात होती है तो अकेलापन और अंधेरे से उसको डर लगता है तो वह दीवार फांक कर दोबारा से पार्क के अंदर आ जाता है और अपनी छुपाई हुई रोटियों को ढूंढकर खाने लगता है। अब उसको इधर उधर अपने लिए काम ढूंढते हुए कई दिन हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों अब मनोज की तबीयत काफी ज्यादा खराब रहने लगी थी क्योंकि उसे अच्छी तरह से खाने को तो मिला ही नहीं करता था। ऊपर से रात को सोते समय उसे मच्छर भी काटा करते थे तो उसको बुखार होने लगता है। दोपहर के 12 बजे का टाइम था और 12 बजे मनोज पार्क के अंदर बैठा हुआ था और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। उसे बहुत तेज बुखार था और बुखार की वजह से वो खड़ा तक भी नहीं हो पा रहा था। अब लोग उसकी तरफ देखते और देखने के बाद कहते हैं कि देखो क्या उम्र है इस बच्चे की और अभी से नशा करके यहाँ पर बैठा हुआ है। लेकिन दोस्तों मनोज बैठा बैठा करहा रहा था, उसको ये तक भी नहीं पता था कि वो फिलहाल कहाँ पर है और क्या कर रहा है, यानी कि काफी तेज उसको बुखार था। तभी वहां पर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है प्रकाश। प्रकाश जो कि काफी ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति है और वह भेलपुरी बेचा करता है, लेकिन आज वह दोपहर में कुछ समय बिताने के लिए इस पार्क के अंदर आया था और वहां पर आने के बाद वह भी एक बेंच पर बैठ जाता है। जिस बेंच पर प्रकाश बैठा हुआ था उससे थोड़ी ही दूर मनोज बैठकर करा रहा था और इसके कराने की आवाज प्रकाश के कानों तक पहुंच जाती है। अब जैसे ही वो मनोज की तरफ देखता है तो उसे उस पर बहुत ही ज्यादा तरस आता है तो वह उसके पास जाता है और जाकर उससे पूछने लगता है कि बेटा तुम कौन हो और कहां से यहां पर आए हो और तुम्हें क्या हुआ है जो तुम इस तरह से करा रहे हो। वहां पर जाने के बाद मनोज उसे कुछ भी नहीं बता पाता है और वहां से उठकर चलने की कोशिश करता है, लेकिन मनोज जैसे 2-3 कदम रखता है तो उसके बाद एकदम से जमीन पर गिर जाता है। अब जैसे प्रकाश के सामने वह लड़का जमीन पर गिरा था तो उसके बाद प्रकाश उसके पास जाता है, उसको टटोल कर देखता है तो उसे पता चलता है कि इस लड़के को बहुत ही ज्यादा बुखार है और इसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है। उसके बाद वह बुजुर्ग व्यक्ति उसको जैसे तैसे उठाता है और उठाने के बाद एक डॉक्टर साहब के पास ले जाता है। वहां पर जाने के बाद डॉक्टर साहब से उसे टैबलेट दिलाता है और टैबलेट लेने के बाद थोड़ी देर में मनोज का बुखार थोड़ा सा कम हो गया था। उसके बाद डॉक्टर साहब उसके लिए दवाइयां दे देते हैं और कहते हैं कि टाइम से दवाइयों को ले लेना, अगर फिर भी बुखार ठीक ना हो तो दोबारा से मुझे दिखा देना। इसके बाद जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है उससे पूछने लगता है कि बेटा तुम कौन हो, कहां से आए हो और यहां पर क्या कर रहे हो। तो मनोज अपनी पूरी कहानी उस बुजुर्ग व्यक्ति को बता देता है, कहता है कि हमारा परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब है और मेरे पिताजी जो मजदूरी किया करते थे उससे परिवार का गुजारा होना बड़ा ही मुश्किल हो गया था, इसी वजह से मैं अपने घर से भाग आया हूं और मैं गुजरात का रहने वाला। अब इस बात को जैसे प्रकाश जी सुनते हैं तो उनको बड़ा ही बुरा लगता है। वे सोचते हैं कि इस बच्चे के माता पिता बड़े ही परेशान हो रहे होंगे। उसके बाद प्रकाश जी उससे पूछते हैं कि बेटा तुम कहां जाओगे, तो वो कहता है कि मैं उसी पार्क में वापस से चला जाऊंगा और इन दवाइयों को खाकर मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसा कहकर वो चलने लगता है, लेकिन तभी जो प्रकाश जी होते हैं उसको रोक लेते हैं और कहते हैं कि बेटा तू वहां नहीं जाएगा, अगर वहां जाएगा तो फिर से तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। उसको वो अपने कमरे पर ले जाते हैं और वहां पर जाने के बाद उसे अच्छे से खाना खिलाते हैं और खाना खिलाने के बाद उसको दवाइयां देते हैं और आराम करने के लिए छोड़ देते हैं। सुबह सुबह जैसे ही होती है तो सुबह सुबह प्रकाश जी उठते हैं और उठने के बाद मनोज की तबीयत का जायजा लेते हैं। उन्हें पता चलता है कि मनोज की तबीयत में थोड़ा बहुत सुधार है और उसका बुखार अभी थोड़ा कम हो गया है। तो इसके बाद वह कुछ खाना बनाते हैं मनोज के लिए और मनोज को जगाते हैं, कहते हैं कि बेटा अब मैं काम करने के लिए जा रहा हूं, मैं रात को 10-11 बजे तक लौटूंगा और तब तक तुम्हें इसी घर के अंदर रहना है, तुम इससे बाहर मत निकलना वरना तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम्हें कुछ भी हो सकता है। ऐसा कहकर प्रकाश जी वहां से अपनी भेलपुरी के बर्तन को लेते हैं और साथ में उसको लेते हैं जिस पर वो भेलपुरी रखकर बेचा करते थे और वहां से चले जाते हैं। दोस्तों अब पीछे से जो मनोज होता है उसकी तबीयत एक बार फिर से बिगड़ने लगती है और उसको उल्टियां होने लगती है।
वह उस कमरे के अंदर ही रहता है, लेकिन उल्टियां कर करके वो एकदम से बेहोश सा हो जाता है। इधर जो प्रकाश जी थे वो वहां पर जाकर अपना काम करने लगते हैं, लेकिन दिमाग में बार बार उस लड़के का चेहरा आ रहा था और वे सोच रहे थे कि कहीं बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए और कहीं इसको कुछ ऐसा वैसा हो जाए। इसके बाद जो प्रकाश जी होते हैं वो 11 बजे की जगह 10 बजे ही काम से वापस आ जाते हैं और घर आने के बाद जैसे कमरे के अंदर मनोज की हालत देखते हैं तो एकदम से बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और घबरा जाते हैं। उसके बाद प्रकाश जी दोबारा से उसको उठाते हैं, एक रिक्शा करते हैं और रिक्शा करने के बाद सीधे सरकारी हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहां जाने के बाद वह मनोज को एडमिट करा देते हैं और एडमिट करने के बाद धीरे धीरे कुछ समय होता है और कुछ समय बाद जो मनोज होता है बिल्कुल से ठीक हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। अब स्वस्थ होने के बाद जो प्रकाश जी होते हैं उसको दोबारा से अपने कमरे पर ले आते हैं और उसको समझाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि बेटा तेरे घर वाले तेरा इंतजार कर रहे होंगे और तुम्हें अब वापस से जाना चाहिए। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो किराए के लिए पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम वापस से अपने घर चले जाओ और वहीं पर उनके साथ रहो। लेकिन मनोज प्रकाश जी से साफ साफ मना कर देता है, कहता है कि बाबा मैं घर नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे घर में पैसों की बहुत ज्यादा तंगी है और मैं ये सब चीज नहीं देख सकता। मैं यहाँ पर पैसे कमाने के लिए आया हूँ और यहाँ पर पैसे कमाकर ही वापस अपने घर लौटूंगा। अब इसके बाद जो प्रकाश जी होते हैं बच्चे की जिद को समझते हैं और उससे कहते हैं कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं, तुझे जब तक रहना है तू मेरे साथ रह सकता है। धीरे धीरे समय बीतता है, समय के साथ साथ जो मनोज होता है वो प्रकाश जी के साथ उसके काम पर भी जाने लगता है, घर में उसका हाथ भी बटाया करता और मनोज के आने के बाद प्रकाश जी को भी काफी ज्यादा सहारा मिलने लगता है। उनके घर के काम में बाजार से कुछ सामान लेकर आना होता है तो मनोज झट से उस सामान को ले आया करता और इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब एक दिन प्रकाश जी और मनोज दोनों वहीं पर भेलपुरी बेच रहे थे, लेकिन तभी जो प्रकाश जी होते हैं वो कहते हैं कि बेटा अगर तुझे कोई काम करना है तो तू कुछ काम भी कर सकता है, उसके लिए मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। उसके बाद मनोज कहता है कि मैं क्या काम करूं आप ही मुझे बता दीजिए। तो जो प्रकाश जी होते हैं वो कहते हैं कि अगर तुझे ये काम करना है जिस काम को मैं करता हूं तो ऐसा काम भी मैं तेरा चालू करवा दूंगा। उसके बाद मनोज एकदम से खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ बाबूजी मैं इस काम को कर लूंगा और ये काफी अच्छा काम है। उसके बाद जो प्रकाश जी होते हैं उसके लिए इसी तरह का एक और सेटअप बनाते हैं और उसको किसी दूसरे चौराहे पर खड़ा कर देते हैं भेलपुरी बेचने के लिए। मनोज भी वहां पर भेलपुरी बेचा करता है और बेचने के बाद कुछ पैसे वो अपने लिए इकट्ठा कर लेता है। धीरे धीरे उसको 6 महीने बीत गए थे और इन 6 महीनों में उसने लगभग 20,000 रुपये अपने पास इकट्ठा कर लिए थे और साथ में अपना भरण पोषण भी कर रहा था। अब जब उसके पास 20,000 रुपये इकट्ठे हो गए थे, उसको यहां पर आए हुए 6 महीने हो गए थे, तो एक दिन प्रकाश जी उससे कहने लगते हैं कि बेटा अब तुमने पैसा भी कमा लिया है तो अब तू ऐसा कर वापस से अपने घर चले जा, तुम्हारे माता पिता तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे। लेकिन मनोज इस बार भी उनसे मना कर देता है, कहता है कि नहीं बाबूजी अभी मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, जब मैं अच्छी तरह से अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा तो उसके बाद ही वापस से घर लौटूंगा। अब इसके बाद प्रकाश जी उसे घूमने के लिए कहने लगते हैं, कहते हैं कि चलो ठीक है बेटा तुम गांव नहीं जाना चाहते तो ऐसा करते हैं आज घूम कर आते हैं। प्रकाश जी मनोज को अपने साथ ले जाते हैं और उसे मुंबई के अंदर अच्छी अच्छी जगहों पर घुमाते हैं और वहां पर उनके साथ कुछ फोटो भी खिंचवाते हैं। फोटो खिंचवाने के बाद वह वापस आ गए थे। मनोज को भी यह सब कुछ बहुत ही अच्छा लगा था कि आज वो अपनी मर्जी से कहीं घूमने के लिए गया है। इन सभी चीजों को एंजॉय करने के बाद रात हो गई थी, वो दोनों अपने घर में आराम करने लगते हैं। इसके बाद धीरे धीरे सुबह होती है और सुबह जैसी होती है तभी प्रकाश जी मनोज से कहते हैं कि बेटा ठीक है अगर तू गांव नहीं जाना चाहता तो मैं तेरे गांव जाऊंगा और इन पैसों को तुम्हारे माता पिता तक पहुंचा दूंगा। इसके बाद जो मनोज होता है इस बात के लिए एग्री हो जाता है और अपने पास से उन 20,000 रुपये को निकाल कर प्रकाश जी को दे देता है और अपने घर का एड्रेस अच्छी तरह से उनको समझा देता है। उसके बाद प्रकाश जी मनोज से उन 20,000 रुपये को ले लेते हैं और साथ में एक मनोज का फोटो भी ले लेते हैं। वह मनोज से कहते हैं कि बेटा तुम अपनी दुकान वहीं पर लगाया करना जहां पर मैं लगाया करता हूं, वो अच्छी जगह है, अगर तुम वहां पर दुकान नहीं लगाओगे तो कोई और आकर वहां पर दुकान लगाने लगेगा और मैं नहीं चाहता कि ऐसी जगह हमारे हाथ से निकल जाए, मैं कुछ दिनों में वापस आऊंगा और फिर से हम दोनों एक साथ रहेंगे। वो 7-8 दिन की कहकर वहां से निकल जाता है और सीधा मनोज के घर मनोज के गांव पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद मनोज के घर वालों को मनोज के बारे में बताता है कि तुम्हारा बेटा मेरे साथ रहा करता है और मुंबई में रहकर पैसा कमा रहा है, उसने तुम्हारे लिए 20,000 रुपये भी दिए हैं और जैसे 20,000 रुपये को मनोज के माता पिता को देता है तो उसके माता पिता फूट फूट कर रोने लगते हैं। इसके बाद जो प्रकाश जी होते हैं वो मनोज का वो फोटो भी दिखाते हैं जिस फोटो को वो अपने साथ वहां से ले आए थे। इसके बाद प्रकाश जी उन्हें समझाते हैं, कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छे से वहां पर रहा करता है, मैं अच्छे से उसका ख्याल रखा करता हूं और वो अच्छे खासे पैसे कमाया करता है। वो लोग भी शांत हो जाते हैं और शांत होने के बाद प्रकाश जी उन लोगों से विदा लेते हैं और विदा लेने के लिए अपने गाँव के लिए निकल जाते हैं। इधर जो मनोज होता है वह प्रकाश जी की राह देख रहा है कि कब प्रकाश जी आएंगे और उनके साथ इस घर में रहेंगे। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ अब 1 महीना हो गया था, लेकिन प्रकाश जी वहां से वापस
लौटे ही नहीं थे। धीरे धीरे उसको एक साल हो जाता है और एक साल तक भी प्रकाश जी वहां पर नहीं आए थे। मनोज वहां पर भेलपुरी की दुकान लगाया करता और दुकान लगाते लगाते कुछ ग्राहक उसके ऐसे परमानेंट हो गए थे जो उसी से भेलपुरी लिया करते थे और मनोज को अच्छी तरह से जाना करते थे। वह अभी तक भी उसी किराए के कमरे के अंदर रहा करता है, टाइम पर उसका किराया भरा करता और प्रकाश जी की बाट देखा करता कि कभी ना कभी तो प्रकाश जी वापस आएंगे और मैं उनको दोबारा से देख पाऊंगा। लेकिन प्रकाश जी वहां पर नहीं आते हैं। अब तभी मनोज फैसला करता है कि जो पैसे उसने कमाए हैं उन पैसों को अपने घर वालों तक पहुंचा कर आएगा। इसके बाद मनोज अपने घर से निकलता है और सीधा अपने गांव की तरफ रुख करता है। धीरे धीरे वह अपने गांव में पहुंच जाता है और गांव में जैसे ही मनोज के माता पिता उसके बहन भाई मनोज को देखते हैं तो एकदम से फूट फूट कर रोने लगते हैं और उसको गले से लगा लेते हैं। गांव में सभी लोग मनोज के बारे में बातें करते हैं कि ये लड़का यहाँ से चला गया और अच्छा खासा पैसा वहां पर कमाया करता है। इसके बाद मनोज उन पैसों को अपने माता पिता को देता है और वहां से मनोज को पता चलता है कि प्रकाश जी उसके बारे में गांव में पहले ही बता चुके हैं। उसके माता पिता ने बताया था कि प्रकाश जी यहां पर आए थे और तुम्हारे दिए हुए 20,000 रुपए हमें मिल गए थे और वह तुम्हारा एड्रेस भी बताकर गए थे। अब कुछ दिन तक मनोज अपने गांव में रहता है और गांव में रहने के बाद वापस से दोबारा से मुंबई की तरफ रुख करता है और मुंबई पहुंचने के बाद वह अपने काम को चेंज करना चाहता है। वह सोचता है कि इस काम से तो थोड़ा ही लाभ हो सकता है लेकिन मैं कोई ऐसा काम करूंगा जिस काम से मैं ज्यादा पैसे कमा सकूं और अपने साथ अपने परिवार का जीवन भी अच्छे से बिता सकूं। इसके बाद मनोज चूज करता है कि वो पेंटिंग का काम करेगा और वह घरों में पेंटिंग करने के लिए जाने लगता है। धीरे धीरे वो घरों में पेंट किया करता और अपने काम को बड़ी मेहनत और ईमानदारी से किया करता और इसी तरह से मनोज वहां पर फेमस हो जाता है। अब इसके बाद मनोज वहां का ठेकेदार बन गया था जो पेंट करने के लिए ठेका लिया करता और ठेके के बाद अपने नीचे कुछ लोगों को काम पर रखा करता और उनसे अच्छे से काम करवाया करता था। उसको अच्छे खासे पैसे बचने लगे थे और जैसे ही उसका काम अच्छी तरह से फलने फूलने लगता है तो उसके बाद वह अपने छोटे भाई को भी वहीं पर बुला लेता है, अपने पिता को भी वहीं पर बुला लेता है और उन लोगों से भी काम करवाने लगता है। लेकिन एक बात उसको बार बार खला करती, वह प्रकाश जी के बारे में सोचकर कभी कभी मायूस हो जाया करता और उनके बारे में सोचने लगा करता कि आखिर वो हैं कहाँ और क्या कर रहे होंगे। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ जो मनोज होता है उसने उस कमरे को अब छोड़ दिया था जिस कमरे में वो प्रकाश जी के साथ रहा करता था। लेकिन अपने साथ वो प्रकाश जी का बचा कुचा सामान लेकर आया था और उसने उसे संभाल कर रख रखा था कि किसी दिन जब प्रकाश जी हमारे पास आएंगे तो उसके बाद मैं इस सामान को उनके हवाले कर दूंगा। अब मनोज को वहां पर काम करते हुए 10 साल हो गए थे। इन 10 सालों के दौरान मनोज ने वहां पर अपने एक छोटा सा घर भी ले लिया था और वहीं पर अपने पूरे परिवार को अपने साथ रखा करता था। उसके पास एक बड़ी सी गाड़ी थी जिस गाड़ी से वो अपनी साइटों पर जाया करता जहां पर उसकी पेंटिंग का काम चला रहा करता। एक दिन शाम को मनोज अपने घर में आराम कर रहा था और आराम करते हुए एकदम अचानक से उसको जोर से प्रकाश जी की याद आती है। वह अपने बीते दिनों के बारे में सोच रहा था कि 10 साल पहले किस तरह से वो एक पार्क के अंदर बैठा था और उसके बाद जो प्रकाश जी थे उन्होंने उसे वहां से उठाकर यहां तक पहुंचाया है। इसके बाद जो मनोज होता है वो प्रकाश जी से मिलने का तय कर लेता है और प्रकाश जी के सामान में छानबीन करने लगता है। छानबीन के दौरान उसे प्रकाश जी का एक आई कार्ड मिलता है जिस आई कार्ड पर प्रकाश जी का पूरा एड्रेस लिखा हुआ था। इसके बाद मनोज एकदम से खुश हो जाता है और वहां पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। पूरी रात भर वह प्रकाश जी से मिलने के सपने देखता रहता है और जैसे सुबह होती है सुबह सुबह अपने घर वालों को बताकर वहां से अपनी बड़ी कार लेता है और सीधा प्रकाश जी के गांव के लिए निकल देता है। वहां पर जाने के बाद जैसे वो गांव में पहुंच जाता है तो गांव में जाने के बाद वह इधर उधर पूछता है और पूछते पूछते वह प्रकाश जी के घर तक पहुंच जाता है। घर पर जाने के बाद जैसे ही बड़ी कार प्रकाश जी के घर के सामने रुकती है तो प्रकाश जी आंगन में बैठे हुए थे और वे मनोज की कार को देख रहे थे। देखने के बाद वे इस असमंजस में थे कि आज इतनी बड़ी कार में हमारे घर पर कौन आया है। लेकिन जैसे ही मनोज उस गाड़ी से उतरता है उतरने के बाद प्रकाश जी के पास जाता है और उनसे कहने लगता है कि बाबा आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका वही बेटा मनोज हूँ जो आपके साथ मुंबई में रहा करता था। अब इस बात को देखने के बाद जो प्रकाश जी थे उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इधर जो मनोज था वह भी प्रकाश जी की हालत को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है क्योंकि प्रकाश जी की हालत काफी ज्यादा खराब थी। वह देखने से बीमार प्रतीत हो रहे थे और जिस घर के अंदर वो बैठे हुए थे उस घर की भी काफी ज्यादा झरझर हालत थी। वो दोनों एक दूसरे के गले लिपट लिपट कर फूट फूट कर रो रहे थे और इतनी ही देर में उस घर के अंदर से चार महिलाएं आती हैं। एक तो प्रकाश जी की पत्नी थी, एक उनके बेटे की विधवा पत्नी थी और दो उनके बेटे की जवान बेटियां थी। अब जैसे ही वो घर के अंदर इस जवान लड़के को देखती हैं तो एकदम से आश्चर्य में पड़ जाती हैं। लेकिन तभी प्रकाश जी उनको बताते हैं कि ये वही लड़का है मनोज जो मेरे साथ मुंबई में रहा करता।
करता था, हर काम में मेरा हाथ बटाया करता था और पैसे कमाने के लिए मुंबई गया था। अब इसने अच्छा खासा पैसा कमा लिया है, गाड़ी को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। उसके बाद जो मनोज होता है वह प्रकाश जी से पूछने लगता है कि आपने तो 2-3 दिन का कहा था लेकिन आज आपको 10 साल हो गए हैं, ऐसा क्या हुआ जो आप यहाँ पर रहने के लिए मजबूर हो गए। तो उसके बाद प्रकाश जी उसको बताते हैं कि बेटा जैसे ही मैं गाँव के अंदर आया था तो मुझे पता चला था कि मेरे बेटे की मौत हो गई है और उसके बाद उसके परिवार को संभालने वाला कोई भी नहीं है, तो मैं यहीं पर परिवार के साथ रहने लगा और जैसे तैसे परिवार का गुजारा कर रहा हूँ। बीच में मैं पैरालाइज हो गया था तो इसी वजह से मेरी बिल्कुल उम्मीद टूट गई वहां पर दोबारा जाने की। उसके बाद जो मनोज होता है उनका सारा सामान उनको लौटाता और साथ में वो उनके लिए ढेर सारी मिठाइयां फल वगैरह लेकर आया था क्योंकि अब वह अच्छा खासा कमाया करता है। वह अपने बारे में भी प्रकाश जी को बताता है और प्रकाश जी जैसे मनोज के बारे में सुनते हैं तो बड़े ही खुश होते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, समय के साथ साथ जो मनोज होता है उसकी शादी तय हो जाती है और शादी तय होने के बाद वह प्रकाश जी के पूरे परिवार को अपने पास बुलाता है। अपने पास बुलाने के बाद कई दिनों तक उनको अपने पास ही रखता है। वह प्रकाश जी के बेटे की बेटियों की शादी करवाता है अच्छे से घरों में और उनका सारा खर्चा खुद ही उठाता है क्योंकि प्रकाश जी का बहुत सारा एहसान उसके ऊपर था, तो इसी वजह से वह उसकी पोतियों की शादी करवा देता है और शादी करवाने के बाद प्रकाश जी और उसके परिवार को अपने घर में ही रखने लगता है। दोस्तों ये थी कहानी एक लड़के की जो अपने घर से तंग हालियत को लेकर निकल गया था लेकिन बाद में वो एक इतना बड़ा आदमी बना और जिसने उसको इस मुकाम तक पहुंचाया उस व्यक्ति का भी अच्छे से सम्मान किया। आप क्या कहना चाहते हो प्रकाश जी के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो मनोज के बारे में, आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय हिंदुस्तान।